Hi friends, welcome to our new video. And today we will continue our HTML document standards. And आज का जो हमारा HTML document standards का जो topic होगा वो होगा the HTML tag. So friends, आइए चलते हैं आज के हमारे content की तरफ. The doc type HTML हमारी declaration जो है doc type HTML declaration provides the browser with two pieces of information. Number one, the type of document, and number two, the HTML version to expect. सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात करी थी डॉक टाइप डेक्लोरेशन की, सो डॉक टाइप डेक्लोरेशन जो है वो हमारे ब्राउज़र को दो तरह की पीसेज में या दो तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. पहली ये है द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है हमारा, एंड द HTML वर्जन टू एक्सपेक्ट, या HTML का वर्जन कौन सा है या कौन सा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने ब्राउज़र से. बट इट डजंट एक्चुअली एड एनी HTML स्ट्रक्चर और कॉन्टेंट, बट it doesn't or does not actually add any HTML structure or content. To create HTML structure and content, we must add opening and closing HTML tag. Opening tag of HTML and closing tag of HTML. And friends, you know that slash comes before, in the HTML closing tag. So हमारा जो ये टैग HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग जो होगा, ये जो है हमारा डॉक टाइप जो हमारी डेक्लेरेशन है, उसके बाद ये हमारा जो HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है वो आएगा. सो HTML टैग will come after declaring our doc type, bracket, then doc type HTML. एंड किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, चलते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको उसको डिक्लेयर करना सिखाता हूँ. एंड एक सैम्पल के तौर पे डॉक टाइप हमारी जो डिक्लेरेशन है, HTML, इस तरह से हमारे पहले डिक्लेरेशन हमारी आएगी सबसे पहले, देन इसके बाद हमारे ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ HTML, देन HTML को इस तरीके से हम ओपन करेंगे, देन हमारा कोड बीच में आएगा सेंटर में, देन उसके बाद हम इस तरीके से क्लोजिंग टैग हमारा HTML का जो क्लोजिंग टैग होगा, उस तरीके से हम इसको अपना क्लोज कर देंगे.
anything between opening and closing tag and HTML will be interpreted as HTML code. So anything इसके दरमियान जो जगह है जो मैंने आपको अभी एम्प्टी छोड़ी है, सो इसके दरमियान जितना भी जो हमारा जो कोड आएगा उससे हम कहते हैं HTML कोड. इसके दरमियान यानी कि HTML ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के दरमियान जितना भी जो हमारा जो कोड आएगा इसमें हम कहते हैं क्या HTML कोड. सो एनीथिंग बिटवीन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, सॉरी opening tag and closing tag of HTML will be interpreted as HTML code. As HTML code. Note that without tags it's possible that browser could interpret your HTML code. So it's possible that browser could incorrectly interpret your code. So friends, ये तो था आज का lecture हमारा. आज मैंने आपको एक HTML tag की document standards जो है हमारे वो मैंने आपको बताया. देन मैंने आपको बताया कि डॉक टाइप जो हमारी डेक्लेरेशन के इस तरीके से हम डेक्लेरेशन के बाद हमारी HTML के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बताया. देन फिर मैंने आपको उसको कुछ फंक्शन बताया एंड देन फिर मैंने आपको एक चीज़ मैंने बताई कि नोट करके मैंने आपको कि विदाउट दी टैग यानी कि विदाउट दिस टैग इट्स पॉसिबल दैट योर ब्राउज़र कोड इनकरेक्टली इंटरप्रेट योर कोड, कि आपका जो ब्राउज़र है वो गलती से यानी कि गलत आपका कोड जो है वो इंटरप्रेट करेगा. क्योंकि सारा पता जब आप टैग्स डिफाइन नहीं करेंगे बिकॉज HTML जो है लैंग्वेज वो टैग्स जो हमारे टैग्स हैं हमारे इन पे चलती है, इनको यूज़ करके हमारा जो है ओवरऑल जो आप देख सकते हैं हमारा जो जितना भी काम होता है हमारे टैग्स के थ्रू होता है. सो जब ये टैग्स आपने सही तरह नहीं लिखे होंगे या सही आपने अपने कोड में नहीं यूज़ करे होंगे सो हमारा जो ब्राउज़र है वो उसको इनकरेक्टली इंटरप्रेट करेगा जो भी हमारा कोड लिखेंगे. सो फ्रेंड्स ये तो था आज का हमारा कॉन्टेंट. उम्मीद करते हैं कि आज का कॉन्टेंट आपको समझ आया होगा. सो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. Goodbye, take care, have a nice day.